बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं शगुफ्ता कमल, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल कुक विद शगुफ्ता। और ये देखिए कितने मज़े के क्रंची पोटैटो बाइट्स तैयार हुए हैं और आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। ये ऊपर से जितने क्रंची हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट तैयार हुए हैं और ये हल्की फुल्की भूख के लिए बहुत ही मज़े के हैं। आप बनाइए और खाइए। जब भी स्नैक के तौर पर अगर आपको कुछ खाना है तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मैं किस तरह बना रही हूँ। चार अदद मैंने आलू लिए थे। आलूओं को अच्छी तरह से मैंने छील लिया, धो लिया और इस तरह छोटे छोटे पीसों में मैंने कटिंग करके बॉयल कर लिया है। इस तरह कटिंग करने से ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाते हैं और जल्दी बॉयल हो जाते हैं। अब मैं इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। और ये देखें मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। 1 टीस्पून चाट मसाला डाल रही हूँ। 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ और साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून हरी मिर्चें डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून हरा पुदीना डाल रही हूँ। 4 टेबल स्पून हरा धनिया डाल रही हूँ। अच्छी तरह से सारे मसाले आलू में मिक्स करेंगे। ये देखें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और फिर इसकी छोटे छोटे से बाइट्स बनाएंगे। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ। अब मैं इसके छोटे छोटे से बाइट्स बनाऊंगी, पोटैटो बाइट्स। आप गोल शेप के भी बना सकते हैं और इस तरह ये स्क्वायर शेप में भी बना लें। इस शेप के मैं सारे बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने पोटैटो बाइट्स सारे तैयार कर लिए हैं। अब मैदे की पेस्ट बनाते हैं जिससे हम पोटैटो बाइट्स की कोटिंग करेंगे। प्याली में मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून मैदा। मैदे में थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे। अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। और गाढ़ी पेस्ट नहीं बनानी है, ये मैं पतली बनाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह की बनाई है। ये देखें ये इस तरह की है। पोटैटो बाइट्स को क्रंची करने के लिए मैंने लिए ये सेवइयाँ, ये बारीक सेवइयाँ हैं। इनको अच्छी तरह से तोड़ लेती हूँ और ये बिल्कुल हमने चूरा करनी है। और ये देखें मैंने बहुत बारीक चूरा कर लिया है सेवइयों का। सबसे पहले हम पोटैटो बाइट्स को मैदे की पेस्ट में लगाएंगे और उसके बाद सेवइयाँ लगाएंगे। दोबारा से शेप दे दें इसकी। इसी तरह मैं सारे बनाकर आपको दिखाती हूँ। सारे मैंने पोटैटो बाइट्स के ऊपर सेवइयों के क्रम्स लगा दिए हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करती हूँ, तो आइए फ्राई करते हैं। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें पोटैटो बाइट्स डालूंगी। एक एक करके डालेंगे, एक साथ सारे नहीं डालिएगा। 1 मिनट हो गया है पोटैटो बाइट्स को फ्राई होते हुए। अब मैं इनकी साइड चेंज करूंगी और ये बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं और क्रंची बहुत होते हैं। ऊपर से जितने ये क्रंची होते हैं अंदर से इतने ही ये नरम होते हैं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। आप एक बार इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तीन मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए और ये देखें कितने अच्छे और कितना खूबसूरत कलर आ चुका है
हमें ये इसी तरह के चाहिए था, अब मैं ये आपको निकाल कर और डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के और क्रंची तैयार हुए हैं पोटैटो बाइट्स। आप भी अपने घर में इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी हर रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी, और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर क्लिक किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।